हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 11th में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है फॉर द सेशन 2020-2021। तो सेकंड काउंसलिंग के बारे में बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि सेकंड काउंसलिंग कब होगी, तो फाइनली चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सेकेंड काउंसलिंग की डेट्स अनाउंस कर दी हैं। एंड आपको बता दूं कि सेकेंड काउंसलिंग, आपका जो सारा प्रोसेस है सेकेंड काउंसलिंग का, ये सितंबर 30 तक फिनिश हो जाएगा। ऑल्सो सेकेंड काउंसलिंग में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो गई थी, स्कूल भी अलॉट हो गया था, स्ट्रीम भी मिल गई थी, लेकिन उनको अपनी स्ट्रीम या स्कूल चेंज करना है, तो वो सेकेंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई किया था लेकिन उनको कोई स्कूल अलॉट नहीं हुआ, वो भी सेकेंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं अप्लाई किया था, किसी वजह से वो रह गए थे, तो वो भी सेकेंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देखते हैं। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस ऑप्शंस फॉर चेंज ऑफ स्कूल स्ट्रीम, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई किया था एंड जिनको स्कूल या स्ट्रीम अलॉट भी हो गए थे, अगर उन्होंने अपने स्कूल या स्ट्रीम चेंज करवाने हैं, अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करनी है, तो आप कर पाओगे 18 सितंबर सुबह 11 बजे से लेकर 21 सितंबर शाम 5 बजे तक। तो इसका मतलब है जो डिपार्टमेंट है वो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो वेकेंट सीट्स बची हैं वो अनाउंस करेगा 18 सितंबर को सुबह 10 बजे तक। वो लिस्ट आउट हो जाएगी जहां पर आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्कूल में, कौन सी स्ट्रीम में सीट्स खाली पड़ी हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हो, स्कूल या स्ट्रीम अपना चेंज कर सकते हो जहां पर आपको एडमिशन चाहिए। नेक्स्ट, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर न्यू कैंडिडेट्स। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था। ये है जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट काउंसलिंग में, वो किसी वजह से रह गए, नहीं अप्लाई कर पाए थे, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो 130 रुपीज़ की फ़ी दे के आपको पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो ये होगा 18 सितंबर सुबह 11 बजे से लेकर 21 सितंबर शाम 5 बजे तक। तो ये सारा प्रोसेस जो है चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर होगा। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ लिस्ट इंडिकेटिंग द अलॉटमेंट ऑफ स्कूल स्ट्रीम। तो डिपार्टमेंट एक लिस्ट आउट करेगा जिसमें आपको स्कूल या स्ट्रीम अलॉट की जाएगी, वो होगा 25 सितंबर को सुबह 11 बजे। तो सुबह 11 बजे के बाद आप डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा स्कूल और स्ट्रीम अलॉट हुए हैं। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ मेरिट एंड कैटेगरी बाय द स्कूल्स। तो जो स्कूल्स आपको अलॉट हुए हैं वो आपके मेरिट और कैटेगरी को वेरीफाई करेंगे 26 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक। फिर डिपॉजिट ऑफ फी डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट्स। तो जब वेरीफाई हो जाएगा और कुछ डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलेगी तो आपको अपनी फ़ी डिपॉजिट करनी होगी, कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई तो डॉक्यूमेंट्स भी साथ में आपको डिपॉजिट करने होंगे। ये होगा 29 सितंबर सुबह 11 बजे से लेकर 30 सितंबर शाम को 5 बजे तक। एंड फीस, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में ये अनाउंस किया गया था फीस, अप्रॉक्सीमेट फ़ी, तो हम मान के चल रहे हैं कि सेकेंड काउंसलिंग में भी यही सेम ही रहेगा। तो एससी की जो अप्रॉक्सीमेट फ़ी है ₹800 एंड जनरल एंड अदर रिजर्व कैटेगरी की फ़ी होगी ₹1500। तो ये अप्रॉक्सीमेट फ़ी है, जो एग्जैक्ट फ़ी आपको स्कूल खुलने के बाद पता लग जाएगी। तो अब हम देखते हैं वो नोटिस जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इशू किया है। ये देखिए, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए है ये नोटिस। तो इसमें डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड काउंसलिंग में, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन वन ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड नाउ वांट टू सबमिट रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्कूल स्ट्रीम ऑप्शन। तो ये स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले ली है किसी गवर्नमेंट स्कूल में लेकिन वो अपना स्कूल या फिर स्ट्रीम या कोई ऑप्शन चेंज करवाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो जो कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बट डिड नॉट टेक एडमिशन फॉर एनी रीज़न और वर नॉट अलॉटेड एनी सीट,
मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अप्लाई किया था लेकिन किसी वजह से उन्होंने एडमिशन नहीं ली, या फ़ी डिपॉजिट नहीं की होगी, या फिर उनको अलॉट ही नहीं हुआ कोई स्कूल, वो भी सेकेंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं. एंड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अप्लाई फॉर एडमिशन अर्लियर कैन नाउ अप्लाई ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय पेइंग रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹130. तो ऑनलाइन मोड से आपको ₹130 फी पे करनी होगी. ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था फर्स्ट काउंसलिंग में एंड अब अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा ₹130 पे करके ऑनलाइन मोड से. तो ये देखिए ये डेट्स है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स सेकेंड काउंसलिंग को लेकर. यहाँ पे देखिए लिखा है लिस्ट ऑफ वेकेंट सीट्स आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी अवेलेबल ऑन द डिपार्टमेंट्स वेबसाइट ऑन 18 सितंबर एट 10 AM. तो देखिए जो वेकेंट सीट्स है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जो सीट्स खाली बची हैं जिस स्कूल में या जिस स्ट्रीम में, वो 18 सितंबर को सुबह 10 बजे डिपार्टमेंट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट आउट कर देगा. एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया, प्रोसीजर फॉर प्रेपरेशन ऑफ मेरिट, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स एंड अदर डिटेल्स एज मैंशन इन द प्रोस्पेक्टस विल रिमेन द सेम. तो बाकी सब चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया क्या है एडमिशन का, या मेरिट लिस्ट कैसे निकाली जाएगी, सीट्स कैसे अलॉट होंगी, या बाकी डिटेल्स वो सब सेम रहेंगी जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में थी, और वो सब डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल हैं. तो ये था सेकंड काउंसलिंग के बारे में. आई होप जो स्टूडेंट्स रह गए थे अप्लाई करने को, जिन्होंने एडमिशन के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया या जिनको सीट लॉट नहीं हुई थी, तो अब आप सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर पाओगे. ऑल द बेस्ट.